जैसे जब हम किचन में हमारी मम्मी सब्जी बनाती है ना, तो उनसे कोई चीज बचा, जैसे छिलका हो गया, केले के छिलके हो गए, सब्जियां जो है उसके छिलके हो गए, ये सब क्या है? गीला में आता है। सूखा में क्या होता है? जिसमें पानी ना हो, जिस कूड़े में पानी ना हो वो सूखा होता है। जैसे कागज, प्लास्टिक हो गया, कोई लोहे की सामान हो गई, लकड़ी हो गया, ये क्या है? सूखा कूड़ा है। अब हमें इन्हें करना क्या है? अगर हमारे घर में कूड़े हैं तो हम करें क्या इनसे? बताओ, घर में कूड़े होते हैं ना, पर्दे करते क्या हो इनका? कहाँ फेंकते हो इनको? कूड़ेदान। बहुत बढ़िया। सड़क पे नहीं फेंकते ना? जैसा हमें मैम ने बताया कि सड़क पर डाल देते हैं, आप ऐसा नहीं करोगे, सड़क पे नहीं डालोगे, कहाँ रखोगे उसको? कूड़ेदान में। अब बताओ कौन कौन से कूड़ेदान में, कितने कूड़ेदान होने चाहिए हमारे पास? बहुत बढ़िया। एक कौन सा? गीला, एक सूखा। गीला वाला गीले में, सूखा वाला सूखे में, ठीक है? तो अब घर पे आप लोग दो डस्टबिन जाके बना लेना, एक तो नीले कलर का और एक हरे कलर का। हरा वाले में क्या होगा? आपका गीला, और नीले वाले में सूखा होगा। रोज आप उसी में डस्टबिन में डस्ट में डालोगे डस्ट को, ठीक ना? सब लोग करोगे? हाथ उठा, कौन कौन करेगा ये? मैं चेक करने आऊंगा फिर दोबारा, और हर एक के घर में जाऊंगा, देखूंगा कितने दो डस्टबिन नहीं रखे, ठीक है?